सुभान अल्लाह के दिल में जमाल गुंबद खज़रा बसा के दे, दिल में जमाल गुंबद खज़रा बसा के दे, दिल में जमाल गुंबद खज़रा बसा के दे, दिल में जमाल गुंबद उनकी बुलंदियों को भी नजरें झुका के दे, उनकी बुलंदियों को भी नजरें झुका के दे, उनकी बुलंदियों को भी नजरें झुका के दे। और हजरात बिलखसूस अहले स्टेज की तान तवज्जुहात का तालिब हूँ, हासिले कलाम शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। सिदरा पे भी उजाले गारे हिरा के दे, सिदरा पे भी उजाले, सिदरा पे भी उजाले गारे हिरा के दे, सिदरा पे भी उजाले गा रे हिरा के दे, सिदरा पे भी उजाले उजाले गारे हिरा के दे, पहुँचे कदम कहाँ से कहाँ मुस्तफा के दे, पहुँचे कदम कहाँ से कहाँ मुस्तफा के दे, पहुँचे कदम कहाँ से कहाँ मुस्तफा के दे। और पढ़ जाएगी कलेजे, ये शेर हजरत अल्लामा कारी आशिकुर रहमान साहब क़िबला की जानिब से पेश कर रहा हूँ कि पढ़ जाएगी कलेजे मिठंडक अभी अभी, पढ़ जाएगी कलेजे मिठंडक अभी अभी, के पढ़ जाएगी कलेजे में इश्क़े रसूल इश्क़े नबी की आग तो दिल में लगा के दे, इश्क़े नबी की आग तो दिल में लगा के दे। नारे रिसाला, जश्न ईद मिलाद नबी, मदरसा गौसिया सिराजुल उलूम, शायर इस्लाम सज्जाद निजामी, के पहुँचे कदम कहाँ से कहाँ मुस्तफा के दे। और हजरात इस शेर पर जिया नूर भाई की तवज्जुहात का बिलखसूस तालिब हूँ, क्योंकि
इस पर काफी की दाद चाहूंगा, बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। के इश्क रसूल खुद, इश्क रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, इश्क रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, इश्क रसूल खुद, इश्क रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, इश्क रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, इश्क रसूल खुद जरा फड़ फड़ा के दे टूटे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी सज्जाद निजामी, नारे रिसालत। इश्क रसूल खुद, इश्क रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, इश्क रसूल खुद उड़ा ले जाएगा तुझे, के इश्क रसूल खुद टूटे हुए ही बाजू जरा फड़ फड़ा के दे, टूटे हुए ही बाजू जरा फड़ फड़ा के दे, पहुंचे कदम कहां से कहां मुस्तफा के दे। और हजरात बिलखुसूस सुकून का माहौल बनाइए और इस शेर पर अमल कीजिए कि कभी आपको किसी जलसे में या कहीं भी ऐसे ऐसे माहौल में फंस जाएं कि ये पता ना लगे कि ये देवबंदी है या सुन्नी है या वहाबी है, इधर का है या उधर का है, हमारा है या पराया है। तो बीच मजमे में से खड़े होकर के इस शेर पर अमल कर लेना, इंशाल्लाह पहचान हो जाएगी ये किधर का है। अगर हमारा होगा तो मुस्कुरा कर जवाब देगा और उधर का होगा तो मुंह उसका बुस जाएगा। बहुत अच्छा शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाइए, मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। के पहचान जब न सुनूनी, पहचान जब न सुनूनी वहां भी की हो तुझे, पहचान जब न सुनूनी वहां भी की हो तुझे, पहचान जब न सुनूनी, पहचान जब न सुनूनी वहां भी की हो तुझे। अरे यार बेशक सुभान अल्लाह, जिसने हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी फना कर दी, क्या उसके लिए सारा मजमा एक बार सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, के पहचान जब न सुनूनी, क्योंकि मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, रोज आप जैसे लोगों से पाला पड़ता है, माशाल्लाह बड़े जीते जागते लोग हैं। के पहचान जब न सुनूनी वहां भी की हो तुझे, पहचान जब न सुनूनी वहां भी की हो तुझे, के पहचान जब न सुनूनी अहमद रजा के नाम का नारा लगा के दे, अहमद तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
के ऐ मद रजा के नाम कनारा लगा के दे है ये मद रजा के नाम कनारा लगा के दे। और बरेली के सुरमे की बात चली थी तो शेर में सुरमा भी पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। बहुत अच्छा शेर है, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। के आ जाएगा नजर तुझे, आ जाएगा नजर तुझे अल्लाह का जमाल, आ जाएगा नजर तुझे अल्लाह का जमाल, के आ जाएगा नजर तुझे चल नजदिया बरेली का सुरमा लगा के दे, चल नजदिया बरेली का सुरमा लगा के दे, चल नजदिया बरेली का सुरमा लगा के दे। पहुँचे कदम कगां मुस्तफा के दे। उलमाए किराम के हवाले से बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। कि किस्मत हाँ किस्मत हाँ किस्मत बदल न जाए, किस्मत बदल न जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ, किस्मत बदल न जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ, कि किस्मत बदल न जाए सरकार के गुलामों की सफ में तो आगे दे, सरकार के गुलामों की सफ में तो आगे दे। पहुँचे कदम कगां मुस्तफा के दे, के उनकी बुलंदियों को भी नजरे के देमियात नजीरों काफी नजर लमियात नजीरों काफी नजर मिसले तो नशुद पैदा जाना, लमियात नजीरों काफी नजर मिसले तो नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तो रे सर सोहे तुझे को शेगे तो सरा जाना, के अल बगरो अलावल मौजूदा, अल बगरो अलावल मौजूदा, मलबे कस तूफा होश डुबा, अल बगरो अलावल मौजूदा, मलबे कस तूफा होश डुबा, अल बगरो अलावल मौजूदा, मलबे कस तूफा होश डुबा, मलबे कस तूफा होश डुबा, मजदार में हो बिगड़ी है गवा, मजदार में हूँ
ذات نذیر خفی نظر المثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو بے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا ماشاءاللہ کلام اعلیٰ حضرت ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں سبحان اللہ بھی بول رہے ہیں لگ رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن افسوس کہ اسٹیج والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ماں بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں مجھے امید ہے ادھر بھی سمجھ میں آ جائے گا سارا مجمع محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ انا فی عطشوں و سخا کا اتم انا فی عطشوں و سخا کا اتم اے گیسو پاک اے ابر کرم انا فی عطشوں و سخا کا اتم اے گیسو پاک اے ابر کرم انا فی عطشوں و سخا کا اتم اے گے سو پا کہ ابر کرم 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 بارسل ہارے رم جم جانا جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا اور حضرات یہ شعر بھی دیکھیں بہت ہی عشق و محبت میں ڈوبا ہوا شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں ماشاءاللہ بڑی بیداری میں آپ بیٹھے ہیں نہ ورنہ اتنا لمبا مشاعرہ سننے کے بعد تو مجمع تھک جاتا ہے لیکن آج بھی ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جلسہ شروع ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں اور یہ والے محلے جو دو تین لوگ بیٹھے ہیں یہ شروع سے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں آپ ان کے چہرے دیکھ سکتے ہیں جو ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہمارے علاقے کی بہت ہی معتبر شخصیت ہیں اگر انہوں نے نواز دیا تو سمجھ لیے کہ میرا بھی بیڑا پار ہو گیا شعر پیش کر رہا ہوں کہ الروح فدا کا فزد حلقہ الروح فدا کا فزد حلقہ یک شعلہ دیگر بلزل عشقا الروح فدا کا فزد حلقہ یک شعلہ دیگر بلزل عشقا الروح فدا کا فزد حلقہ یک شعلہ دیگر بلزل عشقا یک شعلہ دیگر بلزل عشقا یک شعلہ دیگر بلزل عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور سبحان اللہ سبحان اللہ یہ شعر بھی دیکھیں بہت اچھا شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں اور اگر ساؤنڈ والوں تھوڑی سی آواز بڑھ جائے تو بڑھا دیجئے آج جتنی آواز چاہے بڑھا دیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ ویسے میں یہ دیکھ رہا ہوں حضرات
हाँ इतनी बढ़ाइए ताकि सीटी भी ना मारे हजरत। सुभान अल्लाह। हेलो हेलो, थोड़ी सीटी बढ़ा दी। ये पानी नहीं बल्कि जाम है, अब पी लिया है तो तारो ताजा हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मजमे में ये हमारे मेवापुर वालों ने जलसा तो करवाया, पैसे भी दिए, लेकिन नारे की जिम्मेदारी बाहर वालों को सौंप दी है कि जितने बाहर के हैं वही नारा लगाएंगे। अब तक मुझे मेवा वाला कोई भी आदमी नहीं खड़े होकर के नारा लगाते हुए दिखा है, तो ऐसा बताइए कि कोई मेवे का आदमी यहाँ बैठा हुआ है या नहीं? हाथ उठाकर बताइए कितने लोग मेवा वाले हैं। मेरा यकीन बदल गया कि इसी महल्ले से हाथ नहीं उठते हैं, बकाया सब जगह से उठते हैं। जरा खड़े होकर के पीछे से नारा लगाइए इस महल्ले से, है कोई ऐसा आशिक आला हजरत? खड़े होइए। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुझे लग रहा है कि मेवा के हैं या भगवंतापुर के? भगवंतापुर के। बड़ी गलत है। वाह 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 वाह, बताइए दूसरे गांव के आके यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, है कोई ऐसा मेवा वाला जो खड़े होकर के नारा लगा दे? अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह, ये मेवा वाले थे। सुभान अल्लाह। देखिए एक टीम जब रिकॉर्ड बनाती है तो दूसरी टीम तोड़ती है, देखते हैं इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ता है। और मक्ते का शेर आला हजरत का पहुंचा रहा हूं, समाज फरमाए कि बस खाम खाम नवा रजा, बस खाम खाम नवा रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, बस खाम खाम नवा रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, बस खाम खाम नवा रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद आये बा ना दिखता, नज़ीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुल नबी शायर इस्लाम सज्जाद जमानी जिंदाबाद। कि मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगे राज को ताज तोरे सरसो, ए तुझे कुछ ये दूसरा जाना। मैं मनकबत के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। कि शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद। जब तक सारा मजमा बोलेगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कि शहीद आजम जिंदाबाद, आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद। दोनों हाथों को फजा में लहरा कर कह दीजिए कि शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद। के दीन का गुलशन मेरे आता, दीन का गुलशन मेरे आता, दम से तेरे शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद। बंद
पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए के गली गली और शहर शहर में, गली गली और शहर शहर में, गली गली और शहर शहर में आपके नाम का नारा है, गली गली और शहर शहर में आपके नाम का नारा है, आए मदद को आप उसी दम जिस दम तुम्हें पुकारा है, आए मदद को आप उसी दम जिस दम तुम्हें पुकारा है, कि हम लोगों को अंजाम से आजम जिंदाबाद शहीद, आजम जिंदाबाद शहीद, आजम जिंदाबाद शहीद, आजम जिंदाबाद। और बिलखुसूस कमेटी वालों की तवज्जोहात का तालिब हूँ, ये शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि सारी कमेटी वाले आका तुमसे मुहब्बत करते हैं, इस बायस हर साल यहाँ पे बज़्मे हुसैनी करते हैं, सारी कमेटी वाले आका तुमसे मुहब्बत करते हैं, इस बायस हर साल यहाँ पे बज़्मे हुसैनी करते हैं, इस बायस हर साल यहाँ पे बज़्मे हुसैनी करते हैं, कि दुश्मन तुम्हारे टगर खुदा से दुश्मन तुम्हारे टगर खुदा से हो के गए बर्बाद, शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद, शहीद आजम जिंदाबाद। और ये शेर हजरात बहुत ही खूबसूरत और हकीकत की रोशनी में पहुंचा रहा हूँ समाज फरमाए, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई भी खामोश नहीं बैठेगा, मेरी जानिब से एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह, के कर्ब बला से बला से आज भी देखो, कर्ब बला से आज भी देखो फैज का दरिया जारी है, कर्ब बला से आज भी देखो फैज का दरिया जारी है, आपके दर का कूचा कूचा जन्नत की एक क्यारी है, आपके दर का कूचा कूचा जन्नत की एक क्यारी है, आपके दर का कूचा कूचा जन्नत की एक क्यारी है, कि इस बाइस है मदर पे तुम्हारे इस बाइस है मदर पे तुम्हारे लाए गए परिया, शहीद आजम और हजरात ये शेर भी देखें कि इस महफिल का बचा बचा, और जिसको शक होगा वही नहीं बोलेगा निवरना बोलने पर मजबूर हो जाएगा, कि इस महफिल का बचा बचा अकबर का दीवाना है,
के इस महफिल का बहचा बहचा असगर का दीवाना है, इस महफिल का बहचा बहचा कासिम का दीवाना है, इस महफिल का बहचा बहचा हुसैन का दीवाना है, इस महफिल का बहचा बहचा अकबर का दीवाना है, इस महफिल में आज जरूरी आका तुमको आना है, इस महफिल में आज जरूरी आका तुमको आना है, के ओशा को आजम जिंदा बाशहीद, आजम जिंदा बाशहीद, आजम जिंदा बाशहीद, आजम जिंदा صلی اللہ ایک مرتبہ محبت سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. اچھا پہلے یہ لائن یہ لائن یہ لائن خاموش رہے, یہ ادھر والی لائن بیٹھی ہے وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. اب ذرا آپ کہنا آپ خاموش رہیے گا, بولیے اب آپ بولیے آپ نبی پڑھ کے تقدیر جگا والے ہم ناس نبی پڑھ کے تقدیر جگا والے ہم ناس نبی پڑھ کے تقدیر جگا والے اور اگر یہ شعر آج کے جلسے سے اپنے ذہن میں کیچ کر کے لے جائیے, کبھی کوئی مصیبت پیش آئے تو اس شعر پر عمل کر لینا, یہ جملہ بول دینا ہر مصیبت دور ہو جائے گی. مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ. گر کسی زمانے کی گر ہم کو کبھی چھیڑا, گر کسی زمانے کی گر ہم کو کبھی گھیرا, گر کسی زمانے کی گر جسم زمانے کی گر ہم کو کبھی چھیڑا, گر جسم زمانے کی گر ہم کو کبھی گھیرا, گر جسم زمانے کی
आप इतनी मेहनत से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, इसके बदले मिलेगा क्या समाज फरमाए कि देखे वो घर अपना जन्नत की बारातों में, मजे के कह दीजिए सुभान अल्लाह, देखे वो घर अपना जन्नत की बारातों में, देखे वो घर अपना जन्नत के नजारों में, बिलखसूस तवज्जो चाहूंगा कि जो बदन में काकी बैठे गयी, जो बदन में काकी बैठे गयी, जो बदन में काकी बैठे गयी, शेर पेश कराऊं समाज फरमाए कि ख्वाजा के वसीले मैदान कयामत में, और पेश कराओ समाज फरमाए के काश कभी अपना कैबाने सवेरा हो, काश कभी सबका पैगाम बसेरा हो, काश कभी सबका पैगाम सवेरा हो,
रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, जो भी रसूल पाक पे कुर्बान हो गए। और नजदी से कह दो हम पे ना डाले बुरी नजर, बात से कह दो हम पे ना डाले बुरी नजर, मुनकर से कह दो हम पे ना डाले बुरी नजर, के नजदी से कह दो हम के अहमद रजा हमारे निगहबान हो गए, और खाके दरे हुसैन को जिसने भी मल लिया, खाके दरे हुसैन को जिसने भी मल लिया, के खाके दरे हुसैन को जिसने भी मल लिया, उस पल सितारे चांद भी कुर्बान हो गए, उस पल सितारे चांद भी कुर्बान हो गए। शेर पेश कराऊं, समाज फरमाए के रूए नबी पे जिस घड़ी उनकी नजर पड़ी, रूए नबी पे जिस घड़ी उनकी नजर पड़ी, के रूए नबी पे जिस घड़ी उनकी नजर पड़ी, रूए नबी पे जिस घड़ी उनकी नजर पड़ी, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए, आए थे कत्ल करने मुसलमान हो गए, के रूए नबी पे जिस घड़ी उनकी नजर पड़ी, हाँ रूए नबी पे जिस घड़ी उनकी नजर पड़ी, आए कत्ल करने मुसलमान हो गए, आए कत्ल करने मुसलमान हो गए। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाए कि कोई किसी के पीछे किसी का कोई इमाम, कोई किसी के पीछे किसी का कोई इमाम, कोई किसी के पीछे किसी का कोई इमाम, के कोई किसी के पीछे किसी का कोई इमाम, हम मुक तदीये हजरत हसन हो गए, हम मुक तदीये हजरत हसन हो गए, हम मुक तदीये हजरत हसन हो गए। शेर पेश कर रहा हूँ, दुआओं के साथ समाज फरमाए कैसा सजा दिए निगाहें नबुवत का फैज था, सजा दिए निगाहें नबुवत का फैज था, कैसा सजा दिए निगाहें नबुवत का फैज था, सजा दिए जो हिंद के सुल्तान हो गए, राजा
हिंद के सुल्तान हो गए, ख्वाजा मियां जो हिंद के सुल्तान कि सूरज का चमकना तो सूरज का चमकना तो सूरज का चमकना तो बस एक बहाना है, सूरज का चमकना तो बस एक बहाना सरकार के जल्बों से रोशन ये जमाना है, सूरज का चमकना तो बस एक बहाना है, सरकार के जल्बों से रोशन ये जमाना है। खुद खाना नहीं खाया खाया औरों को खिलाया है, हम जैसे गरीबों को सीने से लगाया है, हम जैसे गरीबों को सीने से लगाया है, प्यारे अली तेरा प्यारे अली तेरा एक ऐसा घराना है, ऐ प्यारे अली तेरा नारे सर फैजाने आला हजरत खलीफे आला हजरत मदरसा कदमे रसूल उर्सा मदीनी शायर इस्लाम सदर निजामी साहब किबला ए अली तेरा एक ऐसा घराना है, ऐ प्यारे अली तेरा एक ऐसा घराना है। और आप जो दुरूद पाक पढ़ रहे हैं इसके बदले में मिलेगा क्या, यकीन जानिए कि इस मुशायरे में जो रौनक है बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जलसे को देख रहे हैं। शेर पेश कराऊं समाज फरमाए, बस ये सोच करके आप मेरे शेर को समाज कीजिए कि पढ़े पढ़े के दरूदों को पढ़ पढ़ के दरूदों को तकदीर जगाना है, और आज हमें अपनी झोली को भराना है, और आज हमें अपनी झोली को भराना है, क्यों कि सरकार की महफिल है, सरकार की महफिल है, सरकार को आना है, सरकार की महफिल है, सरकार को आना है, के गौ से समदानी की अज़मत कोई क्या जाने,
गौसे समदानी की अजमत कोई क्या जाने, रब जाने नबी जाने या मौला अली जाने, रब जाने नबी जाने या मौला अली जाने, बगदाद में रह कर भी बगदाद में रह कर भी नजरों में जमाना है, बगदाद में रह कर भी नजरों में जमाना है। और आइए अब अपने ख्वाजा की बारगाह में चलते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, समाज फरमाए के वो शान में आली है, जो उनके सवाने मायूस नहीं होते, जो उनके सवाने के दरबार में ख्वाजा के, दरबार में ख्वाजा के रहमत का खजाना है। नारे निसारा खलीफा आला हजरत मदरसा कदमे रसूल शायर इस्लाम सरहद निजामी साहब किबला के नारे जिंदाबाद में ख्वाजा के रहमत का खजाना है। जो लोग ख्वाजा की बारगाह से लूट कर लाते हैं वो हाथ उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह, दरबार में ख्वाजा के रहमत का खजाना है। और आइए ये शेर भी सुन लीजिए कि जो दिल में लिए मेरे दिल में लिए मेरे आका की मुहब्बत है, यानी आला हजरत दुनिया की जरूरत है, यानी आला हजरत दुनिया की जरूरत है। इस नाम से बातिल के, इस नाम से बातिल के दिल को दहलाना है, इस नाम से बातिल के दिल को दहलाना है, सूरज का चमकना के जो भी नबी के जो भी नबी के इश्क के सांच में ढल गया, जो भी नबी के इश्क के सांच में ढल गया, के जो भी नबी के इश्क के सांच में ढल गया, जो भी नबी के इश्क के सांच में ढल गया, के जो भी के जो भी नबी के इश्क के सांचे में ढल
उसका कसम खुदा की मुकद्दर बदल गया, उसका कसम खुदा की मुकद्दर बदल गया। और हजरात मैं एक तारीख के हवाले से शेर पेश कराऊं, समाज फरमाए कि मेरे रसूल पाक के, मेरे रसूल पाक के कदमों को चूम कर, मेरे रसूल पाक के तलवों को चूम कर, कि मेरे रसूल पाक के तलवों को चूम कर, कि मेरे रसूल पाक के तलवों को चूम कर, पत्थर जमीन पे मोम की सूरत पिघल गया, पत्थर जमीन पे मोम की सूरत पिघल गया। और हजरात एक शेर हकीकत की रोशनी में पेश कराऊं, समाज फरमाए कि मैंने तो सिर्फ मसलके, मैंने तो सिर्फ मसलके अहमद रजा का गा, मैंने तो सिर्फ मसलके अहमद रजा का गा, कि मैंने तो सिर्फ मसलके अहमद रजा का गा, कि मैंने सुनकर वहाबियत का जनाजा निकल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम का नाम सज्जाद निजामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनकर वहाबियत का जनाजा निकल गया, तो सिर्फ मसलके, मैंने तो सिर्फ मसलके अहमद रजा का, मैंने तो सिर्फ मसलके अहमद रजा का, कि मैंने सुनकर वहाबियत का जनाजा निकल गया, सुनकर वहाबियत का जनाजा निकल गया। और हजरात मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस जिसको भी शाहजी मियां से मोहब्बत होगी और जिसकी मुश्किल में या परेशानियों में या कभी आप ऐसी जगह फंस गए हो जहाँ कहीं से काम ना चला हो, तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह शाहजी मियां ने उसकी जरूर मदद की होगी। मैं इसी मंदर कशी को आपके हजरात के सामने रख रहा हूँ और देखता हूँ कितने दीवाने हैं आप लोग। शेर पेश कराऊं, समाज फरमाए कि मुश्किल में पड़ गई है मेरी, मुश्किल सभी मुश्किल में पड़ गई है मेरी, मुश्किल सभी के मुश्किल में पड़ गई है मेरी, मुश्किल सभी के मुश्किल
मुश्किल में पड़ गई है मेरी मुश्किल सभी मुश्किल कुशा का नाम जो मुंह से निकल गया वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से निकल मुश्किल में पड़ गई है मेरी मुश्किल सभी मुश्किल मुश्किल में पड़ गई है मेरी मुश्किल सभी शाहजी मियाँ का नाम जो मुँह से निकल गया शाहजी नारे तकबीर नारे रिसालत मसल के आला हजरत शायर इस्लाम जनाब सज्जाद निजामी नारे तकबीर शाहजी मियाँ का नाम जो मुँह से निकल गया के जन्नत में उसको देख के जन्नत में उसको देख के जितने लोग जन्नत में जाना चाहते गए वो सारा मजमा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। 1% आदमी ऐसे भी हैं जो जन्नत में नहीं जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनकी दिली तमन्ना पूरी फरमाए। मैं एक शेर पेश कराऊं समाज फरमाए, पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह के जन्नत में उसको देख के हूरे मचल गई जन्नत में उसको देख के हूरे मचल गई के जन्नत में उसको देख के हूरे मचल गई के जन्नत में उसको देख के हूरे मचल गई चेहरे पे अपने खाक मदीना जो मल गया चेहरे पे अपने खाक मदीना जो मल गया रजा की चश्मे में आया तो देखिए अहमद रजा की चश्मे में आया तो देखिए शाहजी मियाँ की चश्मे में आया तो देखिए कि ख्वाजा पिया की चश्मे में आया तो देखिए ख्वाजा पिया की चश्मे में आया तो देखिए अहमद अहमद रजा की चश्मे में आया तो देखिए मुझे सखोट से कज़माने में चल गया मुझे सखोट से कज़माने में चल गया। और हज़रात मैं मक्ते का शेर पेश कर रहा हूँ समाज फरमाए और देखता हूँ कि आप कितने पढ़े लिखे लोग हैं कि सजाद की ज़बान से ना ते रसूल को कि सजाद की ज़बान से ना ते रसूल को कि सजाद Oh
नबी का चांगन वाला मचल गया, सुनकर नबी का चांगन वाला मचल गया, सुनकर नबी का चांगन वाला मचल गया। मजमा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और हजरात इसे एक नात का मतलब भी है, ये नात का मतलब भी है और आपके लिए एक जिम्मेदारी भी है, मैं आपको दे रहा हूँ, उसे आप कबूल कर लीजिएगा। अगर आपने इस मतले ही में अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह मैं आगे नात पढ़ूंगा, नहीं तो बैठ जाऊंगा। मैं मतला पेश कराऊं, समाज फरमाए के कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह, के सारे मिल कर के बोलो सुभान अल्लाह। एक एक शख्स की आवाज यहाँ तक आनी चाहिए के हाथ उठा कर के बोलो, हाथ उठा कर के बोलो सुभान अल्लाह, कह दो मचल के, हाथ उठा कर के बोलो सारे मिलकर के, कह दो सुभान अल्लाह, बोलो बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह, कह दो मैं चल के। जब मैं रुकूं तो भी आपको बोलना है और मैं बोलता रहूं तब भी आपको बोलना है कि कह दो मैं चल के, हाथ उठाओ करके बोलो कि मैं पढ़ू नात, कि मैं पढ़ू नात, मैं पढ़ू नात पिता के रसूल, कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह, बोलो मैं चल के। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इस महल्ले को सलामत रखे और इन्हें करोड़पति बना दे। और ये वाला महल्ला बिल्कुल खामोश बैठा है, अगर नहीं बोला तो अगली बार मैं बहुत अच्छी दुआ करूंगा, जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं शेर पेश कराऊं, समाज फरमाए कि या इलाही ओ मेरी दुआए कबूल, या इलाही ओ मेरी दुआए कबूल, या इलाही ओ मेरी दुआए कबूल, हम भी बन जाए आका के कदमों की धूल, हम भी बन जाए आका के कदमों की धूल, के जब मरूं तो कह दो मैं चल के सुभान अल्लाह, बोलो मैं चल के सुभान अल्लाह। और हजरात एक हिरनी ने या रसूल अल्लाह कहा तो उसको कैद से रिहाई मिल गई, हम तो गुलामे रसूल हैं, हम या रसूलल्लाह कहेंगे तो हर गम से रिहाई मिल जाएगी। शेर पेश कराऊं, समाज फरमाए कि एक ही दिन
को जिस दम लिया था फंसा, एक ही हिरनी को जिस दम लिया था फंसा, एक ही हिरनी को जिस दम लिया था फंसा, फजले हक कैद से हो गई वो रिहा, फजले हक कैद से हो गई वो रिहा, के जब कहा तो मैं चल के हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। अपने जहन को हाजिर रखिए, BSNL की तरह नहीं बल्कि रिलायंस की तरह काम कीजिए। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए, और ऐसा शेर दे रहा हूँ इंशाल्लाह आपके मुंह में पानी आ जाएगा कि हम भी हो जाए फिर का बोले मैं भी हो जाऊं फिर का बोले तदान, तुम भी हो जाओ फिर का बोले तदान, हमको मिल जाए जन्नत में आला मकान, सबको मिल जाए जन्नत में आला मकान, तुमको मिल जाए जन्नत में आला मकान, सबको मिल जाए जन्नत में आला मकान, के नात सुन के वो कहते के नात सुन के वो कहते नात सुन के वो कहते जजाक कह दो मैं चलते सुभान अल्लाह, बोलो बोलो मैं चलते। और हज़रात इस महीने की मुनासिबत से मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए कि लैला हान लगी तरफ खेतिया लगाने लगी हर तरफ खेतिया लगाने लगी हर तरफ खेतिया, कोई भूखा है ये गाना प्यासा यहाँ, कोई भूखा रहे गाना प्यासा यहाँ, कोई भूखा रहे गाना प्यासा यहाँ, कोई भूखा रहे गाना प्यासा यहाँ, के आ गए कहे तो मैं चलते सुभान अल्लाह, सारे मिल कर के बोलो सुभान अल्लाह। और हज़रात मैं मक्के का शेर पेश कर रहा हूँ, और आपको चेक कर रहा हूँ कि किस किस आदमी को इस वाक्य में यकीन है और किसको यकीन नहीं है। जिसको यकीन नहीं होगा मैं समझूंगा ये डायरेक्ट वाला है। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, समाज फरमाए कि गौसे आजम ने सजाद ऐसा किया, कि गौसे आजम ने सजाद ऐसा किया, गौसे आजम ने सजाद ऐसा किया,
इशारे से मुर्दे को जिंदा किया, एक इशारे से मुर्दे को जिंदा किया, एक इशारे से मुर्दे को जिंदा किया, एक इशारे से मुर्दे को जिंदा किया, के सिर्फ इतना बोलो बोलो मैं चल के के हाथ उठा करके कह दो। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये नात आपको अच्छी लगी या नहीं। बिल्कुल दिल से बोलना, सुभान अल्लाह। अच्छी लगी तो पूरा मजमा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और आपके दिल की बात कह रहा हूँ, दूसरा मतलब पेश कर रहा हूँ समाज शर्माए के बज़्मों में ना तो सजा दिल में जब पड़ी, बज़्मों में ना तो सजा दिल में जब पड़ी, झूम कर सारी महफिल ये कहने लगी, झूम कर सारी महफिल ये कहने लगी, झूम कर सारी फिर ये कहने लगे क्या है नात आज मरी, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद है जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर कभी लाली नहीं होती, रसूल पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती, उफ़ केसर कोहबों पर कभी लाली नहीं होती, रसूल पाक ना होते तो खुशहाली नहीं होती, और कसम अल्लाह की रज़वी मेरा ईमान कहता है न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। शायर इस्लाम जनाब सज्जाद निज़ामी बहुत अच्छे कलाम से नवाज रहे थे, जाने वाले के लिए इतना जरूर कहूंगा कि सारा पानी छूके होठों से गुलाबी कर गया, सारा पानी छूके होठों से गुलाबी कर गया, और ये नदी की मछलियों तक को शराबी कर गया। और बस इतना ही नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब वो नाते पाक पढ़ रहे थे तो हर नबी का आशिक यहाँ बैठे बैठे झूम रहा था, और कैफे सुरू में डूब कर जबाने हाल से ये बोल रहा था कि नबी की नात सुन के दिल को सुन्नी के करार आया, नबी की नात सुन के दिल को सुन्नी के करार आया, हुआ शैतान को नजला वहाबी को बुखार आया, नबी की नात सुन के दिल को सुन्नी के करार आया, हुआ शैतान को नजला वहाबी को बुखार आया, और वो कहकशां गई के सितारे चले गए, ये क्या गए के सारे नजारे चले गए। हजरात आइए शायर इस्लाम की नात पाक के बाद अब मैं बिना किसी बात आइए उनका इस्तकबाल नारहाए तकबीर और रिसालत के साथ कीजिए, और जी लगाकर सारा मजमा मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाकर एक शानदार नारा लगाइए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जितना प्यारा नारा होगा उतना ही प्यारा कलाम सुनेंगे। बाबा से बुलंद खैर मकदम कीजिए नारे तकबीर। माशाल्लाह जलसे में आगे वाले लोग तो काफी साथ दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी मैं ये कहने पर मजबूर हो जाता हूँ कि पीछे जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो मदरसे के किसी हाल में बैठे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने अब्बा की ससुराल में बैठे हैं।
अगर ये बब्बा की ससुराल है तो नाना का घर है, बुरा मत मानिएगा। नाना के घर में जाने के बाद नवासा खूब बोला करता है और आप तो उस नवासा रसूल के उर्स में बैठे हैं जो हमारी खातिर दिन को भी बोले और रात को भी बोले। खुदा की कसम कभी किसी हाल में खामोश नहीं बैठे, इसलिए कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा सजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा सजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो अल्लाह के वली की मुकद्दस बारगाह में आप यहाँ बैठे हैं, इसी अदब इत्राम से बैठो और कभी बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोलिए, पीछे वाले भी बोले, सारा मजमा बोले और शायर इस्लाम का इस्तेमाल अच्छे अंदाज में कीजिए। जी लगा कर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, शायर इस्लाम सज्जाद निजामी, नारे तकबीर। आने वाले शायर का इस्तकबाल चार मिसरों के अंदर करने जा रहा हूँ और मताहे रसूल जनाबे सज्जाद निजामी से गुजारिश कर रहा हूँ कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता, और मोहम्मद की गली में तू फना होता तो क्या होता, और अरे मजनू हुआ बदनाम तू लैला को दिल देकर अगर मेरे नबी को दिल दिया होता तो क्या होता। शायर इस्लाम जनाबे सज्जाद निजामी। अल्लामा मौलाना तनवीरुल कादरी साहब क़िबला व मुकर्रर दीशान आले बे नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मौलाना मुर्शिद साहब क़िबला और जुमला उलमाए किराम सामईन बातमकीन, बेपर्दा बैठी ख़वातीन उम्मत सज्जाद निज़ामी को सौगात सलाम के साथ कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए हज़रात, टाइम बहुत हो चुका है, जिस हिसाब से प्रोग्राम की सेटिंग की गई, जो जो वक्त दिया गया उससे बहुत ऊपर घड़ी जा चुकी है। बस मैं आप हज़रात के सामने सिर्फ मुलाकात के तौर पर हाज़िर हुआ हूँ, नाते पाक के चंद शेर पेश करूंगा, आपकी मर्जी है, खामोश रह करके सुने या बोल करके। खामोश सुनेंगे तो सवाब कम मिलेगा और बोल करके सुनेंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा। अब आपकी मर्जी है, या बोल कर सुने या खामोश रहकर, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं एक प्रोग्राम में तो मैं अपनी आदत के मुताबिक हुसूले बरकत के लिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा फाजले बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दीवान से अखज़ करके चंद शेर आप हजरात की समातों के हवाले कर रहा हूँ, मुलायजा फरमाए। एक बार पूरा मजमा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लम सलातुन व सलामन लिकी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अल्लाह सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। दो करम है शहबत तेरा कि वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जो दो कदम है। और रात शेर भी मुलायदा फरमाए कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक हबीब मैं तो मालिक ही कहूँगा कि मैं तो मालिक यानी महबूब महबूब नहीं मेरा यानी महबूब महबूब नहीं मेरा तेरा वाह क्या जो दो कदम है और आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान आसमां खान जमी खान जमाना मेहमान आसमां खान जमी खान के आसमां खान जमाना मेहमान साहिब खान कब किस का है तेरा तेरा साहिब खान कब किस का है तेरा तेरा वाह क्या जो दो कदम है। और हजरात मैं ये शेर पहुंचा रहा हूँ मुलायदा फरमाए जिस जिसको नेकियों की जरूरत है वो सुभानअल्लाह बोल दे नेकियों की नियत से बोले। पहले आप शेर सुन लीजिए उसके बाद वो बोलिएगा
कि एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे सिया की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे सिया, हाँ एक मैं क्या हकीकत कितनी, मुझसे सौदा की को काफी है इशारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, और तेरे टुकड़ों पे पले रहे रिकटों कल पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गए रिकटों कल पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गए कि तेरे टुकड़ों ठोकर पे न डाल, झुड़कियाँ कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झुड़कियाँ कहाँ छोड़ के सदका तेरा, झुड़कियाँ कहाँ छोड़, और दिल बस खौफ से पता सा उड़ा जाता है, दिल बस खौफ से पता, उड़ा जाता है पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या उस जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, वाह क्या जो तो कदम है सही बतहा तेरा, और रात में दो शेर सरकारी वसीफ पाक की बारगाह में पढ़ रहा हूँ, मुरादा फरमाए कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने, हाँ सर भला क्या
पलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा सौलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा वहाँ क्या जो दो कदम है और क्या दबे जिस पे मायत का हो पल जा तेरा क्या दबे जिस पे मायत हाँ क्या दबे जिस शेर को खतर मिलाता नहीं कोता तेरा शेर को खतर मिलाता नहीं कोता तेरा तेरे टुकड़ों पे पले गए एक ठोकर पे न डाल तेरे टुकड़ों पे पले गए कि तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर पे न डाल या रसूल झुड़कियाँ खा एक छोड़ के सदका तेरा झुड़कियाँ खा एक छोड़ और तेरे सरकार मिलाता है रजा उस शफी तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको शफी तेरी सरकार मिलाता हाँ तेरी सरकार रजा उसको शफी जो मेरा गौस है अगला दिला बेटा तेरा जो मेरा गौस है अगला दिला बेटा